बंदरू तुझे पता है ना कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, पता है ना? पता है शेखरू, लेकिन किस लिए पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अपने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जो अब बीजेपी के शत्रु हो गए हैं, उन्हें ममता दीदी ने अपना मित्र बना लिया है और इसके साथ ही दीदी ने बाबुल को भी अपनी ममता की छांव में ले लिया है। ये तो आपको पता ही है कि राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी बाबुल भी नहीं होता। जो आज आपका बाबुल है, कल वो किसी और का भी बाबुल हो सकता है। मतलब ये कि जो दो नेता कल तक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, वो दोनों अब टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो। ममता दीदी ने उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो को बालीगंज विधानसभा सीट से और सिन्हा साहब को आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दे दिया है। बिहारी बाबू को टिकट देते ही बीजेपी ने उन पर बिहारी मुद्दे पर ही निशाना साध दिया है। अबे बगल में कुछ नहीं तो जा बिहार। दरअसल टीएमसी के एक नेता है मनोरंजन व्यापारी, कुछ दिन पहले उन्होंने बिहारियों को बीमारी बताया था। पहले आप बीमार का, मेरा मतलब है व्यापारी का, ये बयान सुनिए। बंगाल में काबा, अबे बंगाल में कुछ नहीं तो जा बिहार। एक बिहारी सौ बीमारी, बीमारी चाइना, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। इसी बयान पे सुवेंदु अधिकारी ने पूछा है, मेरा बिहारी बाबू श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी से एक विनम्र प्रश्न है कि टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी के इस अपमानजनक बयान पर उनके क्या विचार है? खामोश। वैसे तो बिहारी बाबू ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से शुभेंदु बाबू को समझा दिया। मेरी नजरों में शुभेंदु बाबू अच्छे आदमी हैं और मैं उनको उनकी बातों की जाल में या इस तरह के चाल में मैं नहीं आने वाला हूँ। किसी आदमी ने कहा है अगर कि एक बिहारी सौ बीमारी, तो अब इसका क्या करें? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी, तो कहने को तो कहते हैं लोग। बिहारी बीमारी नहीं है, बिहारी भारी है, सब पे भारी। ABP News आपको रखे आगे।